ये देखो, यू हैव अ बेबी बॉय, ऐसे ऐसे मूव करवाया फिर भी बेबी मूव नहीं कर रहा। अरे ऐसे फोन में बोल देंगे और हो जाएगा बच्चा। मतलब मन में ना इतना संकुच चल रहा, मशीन बिप 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 पल्सेट बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि वो लोग स्टिच कर रहे हैं अंदर, ऐसे ऐसा लग रहा है कुछ अंदर तोड़ फोड़ हो रहा है। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा रॉयली। दोस्तों, लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि आप लोग मेरा जो डिलीवरी जर्नी है वो जानना चाहते हो कि नहीं। तो आज मैं वीडियो में लेके आई हूँ मेरा सी सेक्शन डिलीवरी जर्नी और डिलीवरी रूम पे क्या हुआ, कैसे हुआ। ऑलमोस्ट मैंने व्लॉग में बताया है कि क्यों मेरा अर्जेंट डिलीवरी हुआ था, अर्जेंट सी सेक्शन हुआ था। थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग किया था और उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन उसके बाद का प्रोसेस, डिलीवरी रूम के अंदर क्या हुआ था, मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो एक बहुत मतलब इट्सेल्फ इज़ अ नाइस कहानी फॉर मी। जब भी मैं किसी को बताती हूँ कि ये हुआ है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ट्यूजडे को मतलब 26 को मुझे इवनिंग को जब मैं वॉक कर रही थी छत पे, मैं अपने हस्बैंड के साथ, मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ वॉक करती हूँ छत पे, तो हस्बैंड के साथ जब मैं वॉक कर रही थी तो मैं ऐसे बोल रही थी कि पता है आज ना बेबी का मूवमेंट उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, थोड़ा कम फील हो रहा है। तो वो बोले कि अच्छा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने बोला हाँ मे भी आज शायद ज़्यादा सो रहा है। तो उस दिन मुझे कम फील हुआ, तो आई वॉज़ लाइक ओके। नेक्स्ट डे 27th को मुझे जब मैं लंच कर रही थी तब तक भी मुझे फील हो रहा था कि हाँ बेबी का मूवमेंट कम है, मतलब यूजुअली जितना होता है उतना नहीं है। तो फिर मैं लंच किया, जनरल क्या होता है लंच करने के बाद बेबी का मूवमेंट ज़्यादा फील होता है ना। तो उसके बाद भी मुझे लंच करने के बाद मैं लेट गई साइड होके, तब भी मुझे लग रहा था कि उतना ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है लेकिन बहुत स्लोली मूव कर रहा है। तो फिर मैंने डॉक्टर को मैसेज किया कि डॉक्टर मुझे ना कल से बेबी का मूवमेंट थोड़ा कम फील हो रहा है। तो डॉक्टर ने इमीडिएटली मुझे बोला कि अभी स्कैन के लिए जाओ, स्कैन का रिपोर्ट लेके मेरे पास आ जाओ। तो तब तक ऑलमोस्ट 3:30 हो चुका था। तो मैंने हस्बैंड को बोला, डॉक्टर ने ऐसा बोला है, तो मैंने हॉस्पिटल को कॉल किया और हॉस्पिटल में जो USG करते हैं ना उनका टाइम 3:00 तक है। तो हमने जिनके साथ जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो जिनके साथ हमने टाई अप मतलब हमने ऑलरेडी रूम बुक कर लिया था हॉस्पिटल में, और ताकि अगर पहले से हम बुक करेंगे तो क्या होता है 2 स्कैन फ्री होता है और कुछ फैसिलिटीज़ होता है। हमें पता ही था उस हॉस्पिटल में हमें डिलीवरी करवाना है तो हमने बुक कर लिया था। तो इसलिए इस बार हमने हॉस्पिटल में जाके वो फ्री स्कैन होगा, तो हमने सोचा ठीक है चलो हॉस्पिटल में ही फ्री स्कैन कराते हैं, नहीं तो हम कहीं और जगह पर स्कैन कराते हैं। तो मैंने कॉल करके बोला है प्लीज़ उनको रुकने के लिए बोलिए थोड़ा, हम लोग अभी आ रहे हैं, हमारे घर से हॉस्पिटल 3-4 किलोमीटर है, तो हम अभी आ रहे हैं और बेबी का मूवमेंट नहीं है, थोड़ा इमरजेंसी सीरियस मैटर है, ऐसा करके मैंने थोड़ा बोला है ताकि वो रुक जाए। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा इधर उधर देख के सम हाउ शी मैनेज्ड करके फिर मुझे बोला आप 5 मिनट में आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, डॉक्टर को हमने रुका के रखा है। उन्होंने बोला हाँ हाँ हम जल्दी आ रहे। तो हम मतलब फटाक से कुछ जो भी मिला मेरे हाथ में मैंने पहन लिया, हम दोनों फटाक से बस फाइल लेके हम लोग निकल गए हॉस्पिटल में और स्कैन कराने के लिए। और हॉस्पिटल के आगे ना पार्किंग का एरिया उतना मतलब जगह नहीं है, तो हस्बैंड ने बोला क्योंकि जल्दी जल्दी वो लोग कॉल भी कर रहे थे मुझे कि मैडम आप कहाँ पे हो, जल्दी आओ, डॉक्टर वेट कर रहे, सिर्फ आपके लिए 4 बज चुका है ऑलरेडी, तब तक 4:00 हो गया था। मैं बोला मैं आ रही हूँ, इतना जल्दी ड्राइव भी नहीं कर सकते ना क्योंकि प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं आ रही हूँ करके मैंने बोला प्लीज़ वेट कीजिए। फिर हम गए, फिर हस्बैंड ने बोला कि तुम जाओ अंदर, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ, क्योंकि वो लोग इतना जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो मैं अंदर चली गई, मैं जाते वो जो लेडी थी ना वो मैडम आई है आपके लिए वेट कर रहे करके मुझे जल्दी जल्दी जो USG रूम है उनके अंदर मुझे लेके गए। फिर जो स्कैन करते हैं ना वो डॉक्टर को मैंने पहले बोला सॉरी मैम मेरे लिए आपको वेट करना पड़ा। शी वॉज़ हाँ आई वॉज अबाउट टू लीव, देन आई इज लाइक सॉरी मैम एक्चुअली बेबी का मूवमेंट थोड़ा कम हो रहा है तो इसलिए अर्जेंट करना पड़ा। देन शी वॉज लाइक ओके ओके।
फिर शी वॉज स्कैनिंग, आपको पता ही है कैसे स्कैन करते हैं, ऊपर से ऐसे ऐसे स्कैन कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि हाँ पानी ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है जी। जो फैक्टर होता है ना लास्ट मोमेंट में, 8 मंथ मेरा तब बस कंप्लीट हुआ था, 9 मंथ स्टार्ट ही हुआ था ऐसा, तो जो है सब कुछ नॉर्मल है, बट बेबी का मूवमेंट जो है वो स्लगिश मूवमेंट है, मतलब हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन जैसा होना चाहिए इस टाइम पे उतना मूवमेंट नहीं है। फिर उन्होंने मेरे पेट के ऊपर ऐसे ऐसे करके मूव करवाया, ऊपर के साइड से उन्होंने ऐसे ऐसे करके, वो जो जो मशीन होता है ना जिसको लेके ऊपर घुमाते हैं ना, उसको लेके ऐसे ऐसे मूव करवाया पेट से, ऐसे 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 करके, फिर भी बेबी मूव नहीं कर रहा था। एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक शॉक्ड, हाँ मतलब इतना हिला रहे पेट को, लेकिन वो उल्टा रिएक्शन देता है ना इस टाइम पे, अगर ऊपर से आप थोड़ा भी प्रेशर डालो तो बेबी नीचे से प्रेशर डालता है उल्टा, तो इट्स अ फनी थिंग ना। और उन्होंने इतना पेट को हिलाया लेकिन बेबी बिल्कुल भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर वो डॉक्टर USG जिन्होंने किया, वो डॉक्टर मेरे डॉक्टर को कॉल किया, कॉल करके बोला है कि ये जो कृष्णा है ना उसका मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, स्लगिश मूवमेंट है, तो ये डॉक्टर बोल रही थी कि मतलब USG वाला डॉक्टर बोल रही थी आई वुड सजेस्ट फॉर NST, अब देख लो। फिर मेरे डॉक्टर ने बोला नो, आई वोंट टेक एनी रिस्क, हमें अर्जेंट सिजेरियन करना है, आप कृष्णा को फ़ोन दो। फिर वही USG डॉक्टर के फ़ोन से उन्होंने मेरे गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन किया, उसी फ़ोन से वो गायनेकोलॉजिस्ट मुझे फ़ोन दिया, फिर मुझे बोला कि देखो कृष्णा, हमें डॉक्टर बोल रहे स्लगिश मूवमेंट है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो हमें अर्जेंट सिजेरियन करना है। आई वॉज लाइक ओके, इज़ इट दैट सीरियस? तो डॉक्टर ने बोला हाँ, मुझे आई एम नॉट फीलिंग राइट, मुझे सही नहीं लग रहा है, तो विल डू सीजरियन नाउ ओनली। तुमने लास्ट लंच कब किया है? मैंने बोला मैंने 1:30 to 2:00 अराउंड किया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, 6:00 का मैं OT बुक कर रही हूँ, हमें अर्जेंटली करना है। मैं ना शॉक हो गई, आई वॉज लाइक क्या। देन फिर मैंने ओके बोल के मैं बाहर आ रही हूँ, फिर दिव्यांदु आ रहा है, फिर उन्होंने बोला हाँ चलो। मैंने बोला सब कुछ हो गया, डॉक्टर ने बोला है कि 6:00 C-section होगा। बोली क्या बात कर रही हो? मैंने बोला हाँ पता नहीं, बेबी का मूवमेंट उतना अच्छा नहीं है, डॉक्टर इज टेलिंग कि सीजेरियन करना पड़ेगा, C-section करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर वो ही वॉज लाइक कि मैं मजाक कर रही हूँ, अरे ये तो नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने मेरा फ़ोन देके मैंने बोला आप डॉक्टर का कॉल करो, आप ही बात करो, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। फिर दिव्यांदु ने कॉल किया, फिर डॉक्टर ने बोला कि हाँ देखो, वैसे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मेरा लीवर फंक्शन टेस्ट में जो SGPT SGOT है थोड़ा सा हाई था, एंड अगर ज़्यादा हाई होता है दैट इज़ कॉल्ड केस ऑफ ICP, जिसमें बहुत हाई रिस्क होता है। मेरा उतना भी हाई रिस्क नहीं था, बट फिर भी क्योंकि बेबी का मूवमेंट सडनली इतना कम होने से रिस्क हो जाता है। और फिर डॉक्टर ने उनको समझाया कि देखो उसका ये मतलब उन्होंने बहुत हड़बड़ी में समझाया कि देखो कृष्णा का ऐसा सिचुएशन है, आई एम नॉट फीलिंग राइट, मुझे लगता है अभी C-section करना पड़ेगा, मैं बुक कर रही हूँ 6:00 का OT। तो दिव्यांदु भी उतना कुछ बोल नहीं पाया। फिर वो बोला कि मैम हम आपके पास आ जाते हैं ना, आपके पास आके बात करते हैं ना। तो शी वॉज लाइक करना है अभी, मेरे पास आके क्या करोगे, मेरे पास आओगे फिर से तुम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। देन ही वॉज लाइक नहीं, हम लोग आपके पास आ जाते हैं, आपके सामने बैठ के बात करते हैं। यू नो सडनली इतना शॉक हुआ है, हमें नहीं लग रहा था कि अरे ऐसे फ़ोन में बोल देंगे और हो जाएगा बच्चा। तो हम लोग सोचे हाँ ऐसे कैसे, मैं इतना तैयारी कर रही थी नॉर्मल डिलीवरी का इतने दिन से, और मैं इतना मेंटली प्रिपेयर कर रही थी कि फिज़िकली मेंटली सब कुछ प्रिपेयर कर रही थी, और सडनली मतलब आधे घंटे में ऐसे बोल देंगे कि हाँ अभी हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर डॉक्टर ने कोई सिस्टर को भी कॉल करके, मेरे डॉक्टर में सिस्टर को भी कॉल करके बोला है कि मेरा ऐसा होने वाला है। फिर दो सिस्टर आ गए मुझे लेने के लिए और बोला है मैम आपका 6:00 का C-section OT बुक हुआ है, C-section होगा, आपको इंजेक्शन इमिडिएटली लेना है।
तो मैं बोल रही हूँ भाई क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने बोला हम डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं उनके चैम्बर पे, फिर लेंगे। फिर वो बोल रहे हैं नहीं नहीं ये इंजेक्शन लेना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लेना है। तो मुझे पता नहीं था वो इंजेक्शन किस लिए है, क्यों है। बाद में पता चला कि वो इंजेक्शन एक्चुअली देते हैं ताकि बेबी का जो, क्योंकि ये प्रीमैच्योर होने वाला है ना, तो बेबी का लंग्स जो है वो मैच्योर हो जाए जल्दी जल्दी, और उसके लिए वो इंजेक्शन देते हैं। मुझे वो सब नहीं पता था। तो उन्होंने बोला इंजेक्शन लेना है, इंजेक्शन लेना है। फिर मैंने दिव्यांदु को पूछा, ही वॉज लाइक नहीं पहले डॉक्टर से बात करके आते हैं, क्या ऐसे होगा क्या नहीं होगा, मतलब वी आर नॉट प्रोसेसिंग इट कि अभी हो जाएगा, फ़ोन में बोलेंगे तो अभी हम डिलीवरी के लिए राज़ी हो जाएंगे, ऐसे होता है क्या? और पहली बार का एक्सपीरियंस है ना, तो मतलब हम लोग थोड़ा ऐसे घबरा गए थे। फिर हम लोग गए डॉक्टर के चैम्बर पे, 15 मिनट्स लगा। फिर मुझे देखते ही उनके चैम्बर पे और भी पेशेंट्स थे, मुझे देखते ही उन्होंने बोला कृष्णा को भेजो, कृष्णा को भेजो। फिर मैं गई, मैं दिव्यांदु गई, फिर उन्होंने समझाया कि कृष्णा गूगल करो ICP क्या है। मैंने बोला नहीं नहीं आप बोलिए। फिर देखो ऐसे केसेस में बहुत, मतलब ऐसे केसेस में बहुत चांसेस होता है कि जब बेबी का मूवमेंट कम हो जाता है तो बेबी गिव अप कर देता है, दम तोड़ देता है। बहुत बहुत बार ऐसा होता है, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि ओटी मतलब ड्रेस चेंज करके ओटी तक जाते जाते बेबी गिव अप। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि देखो मैं बोल रही हूँ अभी करना है, अभी अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो आपके मर्ज़ी, ये अब तक ये मेरा बेबी है। डॉक्टर बोल रहे हैं अब तक ये मेरा बेबी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी करना है, और नहीं तो ये रिस्क हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो सी सेक्शन तो आपके रिस्क है, आपके मर्ज़ी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग लाइक नहीं, ऑफकोर्स डॉक्टर जो बोलेंगे वही होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन हम लोग मतलब समझा रहे थे कि नहीं, एक्चुअली हमें ना शौक लगा कि हम गए थे ऐसे ही और ऐसे डिलीवरी हो जाएगा, आप फ़ोन पे बोल लेंगे और हो जाएगा इमीडिएटली। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, बोलते हैं कि 2 दिन के बाद डिलीवरी या 1 दिन के बाद डिलीवरी, मतलब अभी हो जाएगा। तो डॉक्टर बोला हाँ ऐसे केसेस में ऐसे ही होता है, तुम जल्दी से जाओ। तब तक ऑलमोस्ट 5 o'clock हो गया था, जब तक हम डॉक्टर के चैम्बर पे गए 5 o'clock हो गया था। 6 o'clock का OT उन्होंने ऑलरेडी बुक कर दिया है, एम्बुलेंस भी बुक कर दिया है ताकि एम्बुलेंस आके डॉक्टर को पिक करे, डॉक्टर जल्दी पहुंच जाए 6 o'clock के अंदर OT तक। फिर हमने बोला ओके ठीक है चलो, होना है तो होना ही है, डॉक्टर ही भगवान होता है उस टाइम पे, तो उनके ऊपर तो कुछ नहीं बोल सकते, अगर वो सोचती है कि वही सही है तो वही सही। तो फिर हम वापस भाग भाग के हॉस्पिटल जा रहे थे, और जाते जाते हमने घर वाले को कॉल किया मेरे घर पे, और फिर दिव्यांदु के घर पे कॉल किया कि यार देखो ऐसा ऐसा हो रहा है तो टेंशन मत कर लो, और बस हम लोग बाद में आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। मेरे घर वाले तो बहुत स्ट्रेस्ड हो गए थे। फिर हाँ, फिर मुझे पता है कि जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, जाते जाते मैंने एक व्लॉग में एक वीडियो क्लिप शूट किया था, वो आपने देखा होगा। तो जाते जाते तब तक 5:30 हो गया था, 6 o'clock का OT, मैं भाग रही हूँ रास्ते से, आप सोचो सिचुएशन। तो मैं भाग रही हूँ भाग भाग के, जब मैं हॉस्पिटल घुसी ना, तब सिस्टर्स, एक और सिस्टर्स आ गए कि हाँ आप कृष्णा होना, चलो चलो। तो डॉक्टर ने बोला था आप सीधा 3rd floor पे जाओ, 3rd floor में OT होता है। तो दिव्यांदु रिसेप्शन पे गए, उधर जो फॉर्मेलिटीज़ होता है ना, फॉर्म फिलअप विलअप करना, वो दिव्यांदु उधर गए, मैं एक सिस्टर के साथ OT में चली गई, वो भी भाग भाग के। फिर उधर जाके OT के आगे एक जगह होता है जहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स है वो सब उन्होंने, मैंने निकाल लिया। फिर मतलब जनरली अगर आप जाते हो सी सेक्शन के लिए, आप थोड़ा टाइम पहले जाते हो, आपको रूम दिया जाता है, रूम पे आप थोड़ा आराम करते हो, उसके बाद आपको ड्रेस चेंज कराते हैं, उसके बाद आपको ड्रिप चढ़ाते हैं, फिर क्योंकि आप एटलीस्ट 4-5 hours का फास्टिंग में रहते हो, सो अगर ग्लूकोज डाउन ना हो जाए इसलिए ड्रिप्स चढ़ाते हैं, तो बहुत सारी ये सब प्रोसीजर होता है। मेरे लिए कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, सीधा मैं OT के पास में खड़ी हो गई। फिर हस्बैंड को बुलाया ताकि मेरा जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स था उनको देना था, वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई नहीं लेना चाह रहा था, तो उसको जल्दी से बुलाया। फिर उसके पास जो गोल्ड जो भी था निकाल के उसको दिया। फिर मैंने
पैदल चल के मैंने ड्रेस चेंज किया, ड्रेस चेंज करके उन्होंने उसके बाद उन्होंने एक जगह पे ड्रिप्स चढ़वाया, फिर जो सीज़र होगा जो जिस जगह पे उस जगह पे शेव करके दिया, और हाँ वही, और उसमें एक दो इंजेक्शन्स उन्होंने दिया। फिर एक और डॉक्टर आए आके बेबी का मूवमेंट तब चेक करा था, तब जब वो जो मशीन जो लगा रहा था ना पेट के ऊपर, तब बेबी ना रिस्पॉन्ड कर रहा था, ऊपर से लगा रहा है ऐसे, तब बेबी नीचे से भी ऐसे धक्का मार रहा था। तब उस डॉक्टर ने बोला कि अभी तो बेबी मूव कर रहा है। मैंने बोला हाँ अभी तो बेबी मूव कर रहा है, लेकिन तब नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने बोला हाँ, फिर मुझे ना और भी डाउट हो गया, अरे बेबी अभी मूव कर रहा है तो फिर क्यों ऐसे अर्जेंट अर्जेंसी सेक्शन करना है। फिर जब मैं ड्रेस चेंज करके ये सब ड्रिप्स व्रिप्स चढ़ा के मैं आ रही हूँ, तब सच्ची मतलब मन में ना इतना सब कुछ चल रहा था दिमाग में कि क्या ये सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी हो जाएगा, क्या होगा, मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तब मैंने देखा डॉक्टर को, मेरे डॉक्टर आ गए, तब तक 6 o'clock हो गया था। मैं पैदल चल के ओटी पे गई, फिर ओटी पे ऊपर जो ऐसे होता है ना टांग ऐसा करके, हाथ ऐसा करके मतलब लेट रहना पड़ता है, तो मैंने ऐसे लेट गई। फिर डॉक्टर आ गए, दो डॉक्टर आए, एनेस्थेसिस्ट होते हैं, सब आ गए थे, सिस्टर्स आ गए थे, मैं देख रही थी, तो सब वो जो हार्ट बीट पल्स ये सब चेक होता है ना, सब मशीन वेशीन लगा रहे, मैं देख रही हूँ। फिर जब डॉक्टर आए, वो ऊपर का जो लाइट है ना, जो ओटी का बहुत बड़ा वाला लाइट, वो जो लाइट जब जला, जब डॉक्टर आए, जब मुझे नीचे के पोर्शन वो स्टेरिलाइज करते हैं ना सलाइन वाटर और कुछ दे के ये सब कर रहे थे, तब जाके मुझे थोड़ा पैल्पिटेशन शुरू हुआ। और फिर हाँ उसके बाद नहीं, उसके बाद उससे पहले शायद उन्होंने बोला आप बैठो, आपके आपको एक इंजेक्शन देंगे बैक में, जिसको एपिडुरल बोलते हैं। तो उसके बारे में तो मुझे थोड़ा पता था, और मुझे ये भी पता था कि उस टाइम पे बिल्कुल नहीं हिलना है, अगर हिली तो प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, बैक पेन वगैरह। और ये पूरा टाइम जो हो रहा था ना, जब से मैं ओटी के अंदर गई और ये सब ड्रिप्स चल रहा था, ये सब हो रहा था, तब मैंने बस मन में मतलब मन ही मन मैंने बस भगवान का नाम ले रही थी, मैं हनुमान चालीसा जप कर रही थी। मैंने बोला अब जो कुछ होगा भगवान के हाथ में, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है ये, और मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। तो बस मन ही मन मैं हनुमान चालीसा जप कर रही थी, और बीच बीच में मैं भूल भी जा रही थी कि नेक्स्ट वाला लाइन क्या है। तो मेरे मन में हनुमान चालीसा के जो भी लाइन मुझे याद आ रहा था, बस बस मैं मन में वही गा रही थी। तो हाँ जब वो एपिड्यूरल दे रहे थे ना बैक में, जो इंजेक्शन देते हैं, उन्होंने बोला आप बिल्कुल हिलना मत, आप आराम से ऐसे बैठे रहो। तो मैं बैठ रही थी और मैं अपना ध्यान कहीं और डालना चाह रही थी, तो मैं हनुमान चालीसा जप कर रही थी, जप कर रही थी, जप कर रही थी। फिर उन्होंने बोला हो गया, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। तो आई वाज लाइक ओके, फिर मैं लेटी, और फिर जब उन्होंने नीचे का पोर्शन जो है थोड़ा क्लीन व्लीन करना स्टार्ट किया, तब मेरा पल्स रेट बहुत हाई हो रहा था। एक मशीन होता है ना जहाँ पे बिप 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 बिप, मतलब आपका हार्ट रेट पता चलता है, पल्स रेट पता चलता है, वो मशीन बिप 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 ऐसा हो रहा था। मतलब इतना ज़्यादा मैं टेंशन कर रही थी। तो सब सिस्टर्स, सब डॉक्टर, सब आके बोले कृष्णा काम डाउन, काम डाउन, एवरीथिंग इज़ गोना फाइन, तो आपका पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा। फिर मेरे डॉक्टर ने बोला कि अच्छा कोई अच्छा वाला हिंदी गाना लगाओ, कृष्णा को हिंदी गाना बहुत पसंद है, तो कृष्णा हिंदी गाना सुनोगे ना। मैंने बोला हाँ। फिर सिस्टर ने बोला कौन सा गाना लगाओ, फिर डॉक्टर ने बोला कोई 90s का कोई पुराना गाना लगाओ। फिर उन्होंने कोई और 90s गाना तो नहीं था, कुछ तो गाना लगाया, मेरे दिमाग में भी नहीं है, पर गाना लगाया मेरे राइट साइड पे, फ़ोन पे, यूट्यूब पे एक गाना लगा के छोड़ दिया। फिर मैंने फिर भी वो बिप 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 साउंड हो रहा था, तो सब बोल रहे कृष्णा काम डाउन, रिलैक्स करो, डीप ब्रीद लो, ऐसा क्यों कर रहे हो, टेंशन मत करो, सब कुछ ठीक होगा। फिर मैंने बोला ओ अच्छा मैं टेंशन कर रही हूँ क्या, ठीक है। जब मुझे पता चला कि हाँ मैं टेंशन कर रही हूँ इसलिए हो रहा है, तो मैंने डीप ब्रीद ली और फिर मैंने अपने आप को काम डाउन किया कि हाँ एवरीथिंग सब कुछ ठीक होगा। फिर मैं हनुमान चालीसा जप कर रही थी और थोड़ा भगवान का नाम ले रही थी, और मन ही मन मैं अपने आप को शांत कर रही थी। तो ऑलमोस्ट मतलब 30-40 सेकेंड्स में काम डाउन हो गया। फिर
जो एपिडुरल देने के बाद मुझे पूछ रहा है कि आप पैर हिलाओ, पैर हिल रहा है क्या? मैंने बोला हाँ हाँ देखो मेरा पैर हिल रहा है, तब थोड़ा थोड़ा हिल रहा था ऐसा। तो फिर उसके बाद डॉक्टर दोनों, मुझे लग रहा था वो दोनों बस खड़े हैं कि मेरा ये नीचे का पोर्शन पूरा सुन हो जाए, वो लोग काट देंगे। तो मुझे ना उस चीज़ का डर लग रहा था। तो मैंने बोला, मैं डॉक्टर को फिर से बोली थी, डॉक्टर मुझे ना सब कुछ पता चल रहा है नीचे, आप अभी कुछ मत करो। फिर डॉक्टर ने बोला हाँ हाँ कुछ नहीं करेंगे, तुम रिलैक्स करो, जब तक तुम नहीं बोलोगे कि नीचे का पोर्शन आप कुछ फील नहीं कर रहे हो तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। फिर मैं बोली हाँ हाँ देखो मैं पैर हिला सकती हूँ, लेकिन मेरा पैर हिल नहीं रहा था, लेकिन मुझे ना अंदर डर हो रहा था। तो इसलिए मैं बोली हाँ मेरा पैर ना हिल रहा है, अभी अभी अब मत कीजिए। तो फिर बोले हाँ हाँ हम कुछ नहीं करेंगे, जब कृष्णा बोलेगी कि वो रेडी है तब हम करेंगे, ठीक है? तो बोलते बोले ओके ठीक है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं नीचे की तरफ, और मेरे यहाँ तक मतलब सामने कुछ पर्दा नहीं था, मेरे यहाँ तक पूरा मतलब एक ग्रीन कलर का कुछ गाउन टाइप कुछ दिया हुआ था, और पेट के जगह पे जहाँ पे वो लोग मतलब कट करते हैं उस जगह पे खाली था। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे दिखेगा, लेकिन नहीं दिखता है क्योंकि ऐसे लेटी थी। तो मैंने सोचा नहीं, नीचे की तरफ मैं उनका हाथ का जो ऐसा करेंगे, मैं उनका हाथ का मूवमेंट मैं देखना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने ऊपर देखा, ऐसे 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 देख रही थी। हो फिर मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर आप मुझे पूरा बेहोश करोगे या फिर मैं सब कुछ देख सकती हूँ सुन सकती हूँ? डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं आपको बेबी टू बेबी का स्किन टू स्किन देना है ना, तो हम पूरा बेहोश नहीं करेंगे, आप सब कुछ देख सकते हो, बेबी निकलने के बाद ही आप देख सकते हो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो डर भी लग रहा था कि अरे मतलब सब कुछ मुझे पता चलेगा, और एक्चुअली मैं इतना नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इतना मैं थी, मैंने कभी सी सेक्शन का ना कभी कोई वीडियो ना देखा है कि कैसे सीजरियन होता है, क्या फील होता है उसके बाद, तो क्या प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, सी सेक्शन के बाद क्या करना चाहिए, सी सेक्शन से पहले क्या करना चाहिए, उस टाइम पर क्या होता है, मैंने कोई वीडियो कुछ प्रिपरेशन मेंटली नहीं ली थी। तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे बस डर लग गया था अरे मैं कट देखूँगी क्या होगा ये होगा। फिर तो इसलिए मैंने ना अपना ध्यान कहीं और लगा दी, मैं इधर उधर देख रही थी। फिर हाँ उस टाइम पे जब वो कट कर रहे थे तब मुझे बाद में पता चला, उस टाइम पे उन्होंने मेरे आँखों के ऊपर हल्का सा एक कोई कपड़ा दे दिया था, ऐसा नहीं पूरा पट्टी कर दी लेकिन हल्का सा आँखों के ऊपर एक कपड़ा दे दिया था, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा था सब कुछ उसके बीच में से। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कपड़ा हटा दी, फिर मुझे मतलब विद इन 5 मिनट्स उन्होंने ऐसे करके बेबी को मुझे दिखाया, कृष्णा ये देखो यू हैव अ बेबी बॉय। मैंने बोला हाँ। फिर मैंने देखा पूरा वाइट वाइट जो होता है ना बेबी के ऊपर से वैसा वाला है, और मतलब उनका गर्दन ऐसे पकड़ा था, नीचे बम को ऐसे पकड़ के डॉक्टर ने ऐसे मुझे दिखाया, ये देखो कृष्णा यू हैव अ बेबी बॉय, और वो निकलते ही मेरे हाथ में सुसु कर दिया। फिर मैं हंस रही थी ओके। तो फिर डॉक्टर ने बोला ये देखो ये मेरा बेबी है, मैं इसको पहले गोद ले रही हूँ। तो मैंने बोला ओके। और जब लास्ट 2-7 मंथ्स है ना मेरा वेट भी नहीं उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, जनरली थर्ड ट्राइमेस्टर में सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ का वेट बढ़ता है, तो मेरा वेट उतना नहीं बढ़ रहा था। तो इसलिए मैं थोड़ा टेंस थी कि बेबी का वेट भी नहीं शायद बढ़ेगा, और 7 मंथ के स्कैनिंग में भी बोला था थोड़ा सा अंडरवेट है बेबी, तो मेरे दिमाग में ना वो वेट को लेकर एक कंसर्न था। और उस दिन जो मैंने स्कैन किया था उस दिन भी स्कैन में बोला था बेबी का वेट 8 मंथ में 2 किलो 2.3 प्लस माइनस 200, तो अगर माइनस 200 भी होगा तो 2.1 होता है विच इज़ क्वाइट अंडरवेट। तो उस वेट का टेंशन था कि अगर ज़्यादा अंडरवेट होगा तो फिर NICU में जाएगा बेबी और बहुत दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मतलब नेक्स्ट जब ऐसे ही रखा है डॉक्टर ने ऐसे दिखा रहे हैं, मेरा सवाल ये था इसका वेट कितना है, तो डॉक्टर ने बोले रुको हमें पहले क्लीन करने दो, उसके बाद तो हम दिखाएंगे कि हम बोलेंगे कि वेट कितना है, तो अभी तो बस ये निकला है। मतलब ओके ठीक है। फिर बेबी खुद ब खुद वो रो रहा था, फिर वो लोग क्लीन कर रहे थे, मुझे पता चल रहा था बेबी रो रहा था। वो सब करने के बाद उधर से आवाज़ आया बेबी का वेट है 2.4। तो मैंने सोचा अच्छा 2.4 इट्स नॉट दैट बैड, मतलब 1 मंथ प्रीमैच्योर में 2.4 हुआ है तो ठीक है।
तो डॉक्टर ने भी बोला हाँ हाँ वेट अच्छा है। फिर बेबी को लेके गए, अब चल रहा था असली सीन। फिर उसके बाद अराउंड 40 मिनट्स मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अंदर कुछ ऐसे 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 हिल रहा है। दर्द तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है दोनों डॉक्टर मिलके इधर उधर पेट के अंदर ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे 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 अंदर सेटल कर रहे, हिला रहे। फिर मुझे थोड़ी देर बाद मुझे दिख रहा है कि वो लोग स्टिच कर रहे हैं अंदर, ऐसे ऐसे करके स्टिच कर रहे हैं। मुझे दिखा पर्पल कलर का थ्रेड जिससे वो स्टिच कर रहे थे। मेरे जो डॉक्टर है वो लेडी डॉक्टर है, एक और जेंट्स डॉक्टर थे उनके असिस्ट करने के लिए उनको। फिर दोनों स्टिच कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। उसके बीच में डॉक्टर ने कितने सारे बातें की, लाइक डॉक्टर बोल रहे थे आज मेरे बेटी का एग्ज़ाम था लेकिन कृष्णा ने ये इमरजेंसी केस लेके आ गई, अभी मेरे घर जाके मेरी बेटी को पढ़ाना है। ये सब मस्ती के बातें कर रहे थे, कुछ और डॉक्टर्स की बातें कर रहे थे। फिर डॉक्टर बोल रहे थे कृष्णा तुम ये सुनो मत, हाँ हम दूसरे डॉक्टर के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। तो फिर शी वॉज लाइक फनी थिंग शी वॉज डूइंग ताकि मैं इतना टेंशन ना करूँ। लेकिन मुझे लग रहा है भाई ये कितनी देर से, ये मतलब बेबी तो 5 मिनट में निकल गया, उसके बाद का जो स्टिचिंग का प्रोसीजर है वो 40-45 मिनट्स तक चलता है। तो डॉक्टर कितनी सारी बातें कर रहे थे इधर उधर का, फिर मुझसे भी बहुत सारे पर्सनल बातें, ये बातें उनके हस्बैंड के बारे में बातें, हस्बैंड ये करते हैं वो करते हैं, नहीं मेरे हस्बैंड ये करते हैं, बहुत 40-45 मिनट्स तक बहुत सारे बातें की हम लोगों ने। फिर डॉक्टर ने बोला कृष्णा अब ना तुम सोने की कोशिश करो, मेरे हमाल हम हमारे बातों में अब तुम ध्यान ना दो, तुम अब सो जाओ। फिर मैं अच्छा ठीक है, फिर मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। फिर मुझे ना वो थ्रेड जो है वो जलाते हैं, मुझे वो जलने की बदबू भी आ रही थी। फिर एक बार डॉक्टर ने बोला कि इतना ब्लीडिंग क्यों हो रहा है। फिर डॉक्टर ने पूछा क्या तुम इकोस्प्रिन ले रही थी ना, मैंने बोला हाँ इकोस्प्रिन एक मेडिसिन है जो ब्लड थिनिंग का मेडिसिन है, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था। तो बोला हाँ हाँ इसीलिए ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब भी मैं सुन रही हूँ, तो इस लाइक हाँ कितना ब्लीडिंग हो रहा है मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर लास्ट में ये सब होने के बाद सब कुछ ख़त्म होने के बाद डॉक्टर ने चेक किया कि मिल्क आया है या नहीं। तो डॉक्टर ने देखा कि मिल्क आ गया था ऑलरेडी, तो शी वॉज लाइक अरे बेबी तो आने के लिए रेडी था, देखो तुम्हारा मिल्क भी आ गया। तो आई लाइक वाह फाइन नाइस, देन बेबी को मिल्क मिलेगा। तो उसके बाद डॉक्टर चले गए फ्रेश होने के लिए। फिर मुझे ओटी के एकदम बाजू में रिकवरी रूम होता है, तो वहाँ पे मुझे शिफ्ट किया। जब से शिफ्ट किया तब से मुझे मतलब उसके आधे घंटे के बाद से मुझे इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि मैं बोल नहीं सकती। मैं बार बार सिस्टर्स को बुला रही थी। तो अराउंड 7 o'clock से 7 o'clock अराउंड मुझे शिफ्ट किया रूम पे, नहीं वो रिकवरी रूम पे सिर्फ शिफ्ट किया, ऊटी के बाजू में ही रहता है। तो 7 o'clock से अराउंड 11 o'clock तक मुझे 4 घंटे खतरनाक वाली पेन हो रही थी, मतलब अंदर मुझे बहुत पेन हो रही थी, वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उसके लिए बहुत पसीना आ रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। और मेरे बाजू में एक और लेडी थी जिनको बेबी हुआ था, उनके पास बेबी थी तो इसलिए उन लोगों ने एसी ऑन नहीं किया। और मुझे पसीना पसीना हो रहा था, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैं पूरा आह आह करके साउंड कर रही थी। और फिर सिस्टर्स बोल रहे हैं ऐसे पेन सबको होता है, आपको थोड़ा टॉलरेट करना है, पेन किलर्स हम दे रहे हैं। फिर मैं बहुत मतलब पता नहीं क्यों ये सबको नहीं होता है शायद, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करने वाली हूँ, लेबर पेन जैसा पेन हो रहा था, अंदर बहुत पेन हो रहा था, क्रैम्प हो रहा था और पेन हो रहा था। तो पता नहीं ये सबको होता है या नहीं, पर मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि थोड़ा सा पेन में आ वो करूँ, मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, तो मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा था एक्चुअली। तो मैं बार बार सिस्टर को बुला रही थी कि मुझे पेन किलर दे दो, पेन किलर दे दो। फिर डॉक्टर को भी बुलाया चेक करके, उन्होंने देखा है कि पेन किलर ऑलरेडी उन लोगों ने दे दिया था, फिर भी आके जो ड्रिप्स चल रहा था उसके अंदर एक और पेन किलर दिया। फिर 1 घंटा वेट किया, कम नहीं हुआ। फिर से मैं बार बार उन लोगों को बुला रही थी कि मेरा दर्द बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे कुछ करो पेन कम करने के लिए। दो आई थिंक जो भी पेन किलर तब दिया था उसके बाद भी 2 पेन किलर उन्होंने दिया, फिर भी वो दर्द कम नहीं हो रहा था। फिर मैं एक बार रोने लगी,
हाँ, फिर एक बार हस्बैंड को उन लोगों ने आने के लिए दिया, फिर हस्बैंड को जब मैंने देखा, फिर मैंने ना रोना स्टार्ट कर दिया। होता है ना, किसी अपने को देखते हो तो फिर आपको लगता है वो जो तकलीफ होता है वो बाहर आ जाता है। तो मैंने रोना स्टार्ट कर दिया, मुझे मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो और मैं बोल रही थी एसी ऑन कर दो, और मुझे मतलब पेन भी हो रहा है, बहुत गर्मी भी हो रही है, और अब कांप भी रहे हो, शिवरिंग, हाँ ये तो मैं भूल ही गई, तब से शिवरिंग स्टार्ट हुआ। तो 3-4 घंटे तक शिवरिंग चला, फिर उन लोगों ने शिवरिंग के लिए हीटर भी दिया, फिर शिवरिंग कम होने के बाद वो हीटर बंद कर दिया, तब मुझे फिर से गर्मी होने लगी। वो एक मतलब अजीब सा एक सिचुएशन हुआ था, वो 4-5 घंटा मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर ड्यूटी डॉक्टर ने एक दो बार आके चेक करके गए थे, फिर शायद मेरे डॉक्टर को कॉल किया, फिर उन्होंने एक वजाइनल पेन किलर दिया था जो वजाइना से अंदर डालते हैं, तो वजाइना से या एनल से, हाँ एनल से अंदर डालते हैं। वो देने के बाद आधा घंटा या 1.5 घंटे के बाद मुझे थोड़ा पेन कम हुआ। तब मतलब वो जो पेन हो रहा था क्रैम वाला, ऐसा लग रहा है कुछ अंदर तोड़ फोड़ हो रहा है, वो बंद हुआ। तब मुझे फील हुआ कि हाँ अभी मेरा कुछ मतलब पेट में सीजरियन कुछ सी सेक्शन हुआ है, कुछ ऑपरेशन हुआ है, तब मुझे थोड़ा सा मतलब नॉर्मल फील हुआ। उसके बाद मेरे डॉक्टर ने बोल के गया है कि इसको कैथेटर मत देना, इसको चल के वॉशरूम के लिए लेके जाना। फिर वो लोग बार बार आके मुझे पूछ रहे हैं आपको वॉशरूम जाना है क्या, वॉशरूम जाना है क्या। भाई नीचे मेरा पूरा सोन मतलब कोई मतलब सेंस नहीं है, सुन हो चुका है, और मुझे कैसे फील होगा वॉशरूम। मैं बोले नहीं, मुझे कुछ वॉशरूम फील नहीं हो रहा है। सो 10:30 तक मुझे वॉशरूम बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। फिर मैंने बोला प्लीज़ आप लोग कैथेटर दे दो। फिर वो लोग सिस्टर बोल रहे थे नहीं, आपके डॉक्टर ने बोला है कैथेटर ना देने के लिए, चल के जाने के लिए वॉशरूम पे। फिर मैंने बोला पता नहीं, मुझसे तो नहीं होगा अभी, और मुझे फील भी नहीं हो रहा है वॉशरूम जाने का। फिर उन लोगों ने कैथेटर बाद में 11 बजे के अराउंड कैथेटर उन्होंने दिया। फिर वो लोग ना सरप्राइज हो रहे थे कि कितना सुसु निकल रहा था कैथेटर से, 1 लीटर से ज़्यादा। तो वो लोग बोल रहे आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। मैंने बोला नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं फील हो रहा था, लेकिन जब कैथेटर निकाला 1 लीटर से ज़्यादा यूरिन पास हुआ है। तो हाँ, उसके बाद 11:30 to 12 o'clock अराउंड मुझे बेड पे दिया, और हाँ फिर बेड पे आने के बाद थोड़ा मतलब उस टाइम पे मैं थोड़ा मतलब ह्यूमन वाला फील मुझे थोड़ा आ रहा था कि हाँ मतलब ऑन गोइंग एक्यूट पेन वो जो हो रहा था मुझे 4 घंटे, वो 4 घंटा का पेन आई कॉन्ट डिस्क्राइब कि कितना पेन हो रहा था। आई वॉज लाइक यार ऐसा क्यों पेन होगा, कंटिन्यूस अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो ये हुआ, फिर मैं बेड पे आ गई। बेड पे आने के बाद डॉक्टर ने बोला था पहले मुझे थोड़ा कोकोनट वाटर थोड़ा सा सिप लेना है, आई थिंक 1 o'clock के अराउंड। तो उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा पानी पीना है, उसके बाद थोड़ा जूस, ये सब जो होता है बेसिक वो सब हुआ। तो पूरा रात वो तो मतलब सोना नहीं हुआ। फिर हम लोग हाँ, और तब तक बेबी को बाद में मुझे पता चला, जब मैं बेड पे शिफ्ट हुई तब मुझे पता चला बेबी NICU में है, उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मुझे तब हम दोनों सोच रहे थे कि अगर हम वो इंजेक्शन ले लेते जो पहले बोल रहे थे ना कि अभी इंजेक्शन लेना है, शायद वो वाला इंजेक्शन लिया है नहीं लिया है पता नहीं, अगर ले लेते तो शायद बेबी का सांस लेने में इतना तकलीफ नहीं होती। तो जो भी है, एक दिन के लिए बेबी NICU में था, और नेक्स्ट मॉर्निंग सिस्टर आई और उसके साथ एक और हेल्पर आई, दोनों मिल के मुझे फर्स्ट वॉक के लिए उठाया। ओ माई गॉड, फर्स्ट वॉक इज़ सो पेनफुल। इसके बारे में मैंने बहुत सोच मतलब सुना है देखा है कि फर्स्ट सी सेक्शन के बाद फर्स्ट वॉक इज़ वेरी पेनफुल। तो मतलब उठने की कोशिश की, जब भी मैं उठने की कोशिश कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा है इधर सांस अटक रहा है, आई वाज डूइंग लाइक दिस। तो मैं फिर से सो रही हूँ, फिर बोला है कि मत सो, क्योंकि सो के उठने का जो एक स्ट्रगल होता है ना वो वेस्ट हो जाता है। तो बहुत मतलब आई थिंक फर्स्ट वॉक के लिए मुझे उठ के वॉशरूम जाने में
कम से कम 15 मिनट्स लगा। तो पहले मैं उठी, उठ के थोड़ा सेटल, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। फिर मैं खड़ी हुई, खड़े होने के बाद भी मुझे सांस नहीं आ रहा था। थोड़ा ऐसा ऐसा करके बहुत टाइम, थोड़ा सेटल होने के बाद फिर मैं एक स्टेप, मतलब आई कैन रिमेम्बर भाई, एक एक स्टेप मैं कैसे ले रही थी। और दोनों साइड पे दोनों सिस्टर्स थे और सपोर्ट करने के लिए, और सीरियसली सो पेनफुल। फिर वॉशरूम करके जब मैं अंदर आई ना, तब मुझे लग रहा था हाय क्यों सी सेक्शन हुआ, इतना दर्द हो रहा है, कब ठीक होगा। ये सब मुझे ना बहुत थोड़ा वो फीलिंग आ रहा था कि अरे मुझे तो नॉर्मल चाहिए था। फिर बाद में आई गॉट अकस्टम्ड कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ भगवान के कृपा से सब कुछ ठीक हुआ, अच्छा है, बेबी हेल्दी है, मैं भी ठीक हूँ, तो वही बहुत बड़ी है। तो हाँ, मतलब अल्टीमेटली हो गया। नेक्स्ट डे जो उसी दिन दो बार और मैं उठ के वॉशरूम गई थी, बहुत पेनफुल था। उसके बाद मतलब वॉशरूम लग रही थी, लेकिन मैंने बोला मुझसे और नहीं होगा। मैंने दो बार बेट पेन का यूज़ किया, और उसके बाद मेरे डॉक्टर आई, आई थिंक दोपहर को मेरे डॉक्टर आई। उससे पहले मैं बेबी को देखने के लिए NICU में गई थी। पहली बार जब मैं बेबी को देखा, ओ माय गॉड, मतलब पेट से निकलने के बाद, उसके बाद जब NICU में देखा, मैंने देखा, ओ माय गॉड, माय हार्ट मेल्ट डाउन। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने ऐसे ऐसे उसको टच किया तो ऐसा हो गया था वो। फिर उसके हाथ पैर में मुझे डर लग रहा था पहले टच करने से, फिर मैंने टच किया उसको, देखा बहुत। फिर मैं जब आ रही थी ना, तो मेरे डॉक्टर आ गई, फिर डॉक्टर ने बोला चलो चलो उठो उठो, वॉक करो, आ जाओ मेरे साथ। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में थे, थर्ड फ्लोर तक सीढ़ी चढ़ के आ जाओ। मुझे सीढ़ी चढ़वाया मेरे डॉक्टर ने, फिर कितना चलाया मुझे। फिर उन्होंने बोला कि हर दो घंटे में वॉक करना है और गैस नहीं बनने देना है। तो यही सब उन्होंने दिया। फिर यही मेरा डिलीवरी का जर्नी था। एंड हर किसी का जर्नी बहुत यूनिक होता है, तो मेरा जर्नी तो ऐसे ही था। एंड या मुझे आप लोगों के साथ बस शेयर करना था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, और ऑन रिकॉर्ड भी हो जाए, ऑन रिकॉर्ड भी रह जाएगा मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस, क्योंकि यस, दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो मेरा बेबी रो रहा है अभी दोपहर के टाइम पे वो सो रहा था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ये शूट कर लूँगी। सो या गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, माई एक्सपीरियंस अबाउट माई बेबी बॉय का डिलीवरी। एंड आगे आगे और भी वीडियोज़ आएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। प्लीज़ आप भी कहिए कि आपको डिलीवरी में एक्स्ट्रा क्या हुआ था जो बाकी डिलीवरी से बहुत अलग है। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।